नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला के तहसील चौपाल में लेकर आए हैं और आपको यहाँ का सुंदर दृश्य दिखाते हैं। और हिमाचल का जो अपर एरिया है, डिस्ट्रिक्ट शिमला, लाहौल स्पीति वगैरह, ये सारे ऊपर के जो हिस्सा है, जो ऊपर का एरिया है, ये सेबों के लिए प्रसिद्ध है। तो आज हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आइए देखिए यहाँ का सुंदर दृश्य। दोस्तों, ये आपको चौपाल का एक लेफ्ट पोर्शन दिखाई दे रहा है, छोटा सा पोर्शन है। शहर की पूरी वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आप आते हैं कभी तो यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आप आ सकते हैं। अच्छी जगह है, यहाँ पे रुकने की अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पे कॉलेजेस हैं, आपके होटल्स अच्छे हैं, और यहाँ स्नोफॉल्स होता है, यहाँ पे अच्छे टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। हरि सिंह मेमोरियल, लेफ्टिनेंट हरि सिंह जो 1971 के वॉर में मारे गए थे। और ये जो एरिया है काफ़ी सुंदर है, और यहाँ पे बर्फ़ भी अच्छी खासी बर्फ़ गिरती है, 5 से 6 फीट बर्फ़ गिरती है यहाँ पे। और सामने का जो एरिया आप देख रहे हैं, जहाँ पे आपको कुछ नेट्स सी दिखाई दे रही होगी, ये नेट्स जो है सेबों के बगीचे हैं, उनको कवर किया गया है ताकि सेबों के ऊपर में जब आसमान से बारिश होती है शहरों वगैरह में, तो यहाँ पे ओला गिरता है, ताकि ओला जो है वो सेबों को नीचे डैमेज ना करे, इसलिए ये जालियाँ सेबों के ऊपर कवर की जाती है। जालियों से क्या है, सेबों को प्रोटेक्शन भी मिलती है, और इन्हीं जालियों से सेबों में नुकसान भी होता है। ये फ़ायदेमंद भी नहीं है और इतना नुकसानदायक भी नहीं है। क्या है कि अगर जालियां हम लगाते हैं तो इससे ये होगा कि ओला जो गिरता है उससे डैमेज नहीं होगा सेब, बट इसका जो साइज़ है वो छोटा रह जाता है, और बिना जालियों वाले सेबों का साइज़ बढ़ता है। दोस्तों, सामने का एरिया जो आप देख रहे हैं, तो ये खद्दर विलेज है। ये खद्दर विलेज में आपको बीच बीच में कहीं धुआं भी दिख रहा होगा, तो ये लोग जो सेबों के पत्ते वगैरह होते हैं उसको जला रहे होते हैं, उससे सेबों की जो वो है उसको फ़ायदा मिलता है। और सामने का जो एरिया, इसमें फुल जो वो कवर है वो सेबों के ऊपर ही डिपेंड है। ये लोग आप देख रहे होंगे, छोटे छोटे घर, बड़े बड़े घर बने हुए हैं, सब रोड से कनेक्टेड किया गया है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, सेपरेट फैमिली ट्रेडिशन है। यहाँ पे लोग जो है अपने छोटा सा घर बना के अलग रहना चाहते हैं, इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि रोड का एक जाल सा बिछा हुआ है। और बेसिक जो इनकम है यहाँ पे वो सेब ही है। और तहसील चौपाल का ही एक विलेज है, मड़ौग है, जो 2014 में एशिया का रिचेस्ट विलेज रहा था। उसकी पर व्यक्ति जो इनकम है लगभग 95 लाख है। तो सेबों का यहाँ पे इतना क्रेज़ है, इतना लोगों का वो है कि लोग अच्छी अच्छी वैरायटी के सेब उगाते हैं यहाँ पे। अगर आपको मैं थोड़ा सा एरिया है डेंसी फॉरेस्ट, जो कायल और देवदार के जो वृक्ष है इसके ऊपर थोड़ा सा ले जाऊँ, तो आपको एक छोटा सा विलेज बीच में दिखाई दे रहा होगा। आप समझ सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर लोग किस प्रकार से जाते होंगे, किस प्रकार से अपने घर का मटेरियल ले जाते होंगे। काफ़ी मुश्किल भी है, लेकिन वातावरण की दृष्टि से और वैसे स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पानी, और यहाँ का जो मौसम है वो बहुत अच्छा रहता है। आपको पंखा, कूलर, ये किसी भी प्रकार की फ्रीजर की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। थोड़ा सा राइट में अगर जाए तो राइट के बारे में रणिता शर्मा आपको चूड़हार के बारे में बताएगी। ये हिमाचल प्रदेश की एक प्रसिद्ध जगह है, और यहाँ की हाइट शायद 12,000 फीट है अप्रोक्सीमेट हो सकता है, मुझे खासकर मालूम नहीं है इसके बारे में। और लगभग 12,000 फीट इसके, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो 11,967 फीट इसकी हाइट दिखाई गई है। ये जो चूड़धार है, ये शिरगुल महाराज, यहाँ के जो देवता है उनका स्थान है। और इसके ऊपर जो टॉप पे पीक दिखाई दे रही है आपको, वहाँ पे एक भोलेनाथ भगवान, जो अपने शिवजी भगवान है, उनका स्टैचू बनाया गया है। काफ़ी बड़ा स्टैचू है, 15-20 फीट का। तो जब भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं ये तो काफ़ी इन्जॉय करते हैं। वहाँ पे रुकने की अच्छी व्यवस्था है, श्राइन बनी हुई है वहाँ पे। कहा जाता है कि जो शिवजी भगवान का जो स्टैचू है, वहाँ पे एक होल होता था प्राचीन काल में, वहाँ से पाताल लोक दिखाई देता था। लोग जो आते थे तो वो शॉक हो जाते थे, उनकी डेथ भी हो जाती थी, इसीलिए उस होल को जो है बंद कर दिया गया, और वहाँ पे भोलेनाथ भगवान की एक मूर्ति बना दी गई है। तो अभी वो मूर्ति के दर्शन करते हैं लोग, काफ़ी बड़ी बड़ी रॉक्स है वहाँ पे। वहाँ का भी वीडियो हम आपको बाद में, जब वहाँ पे जाके आपको वीडियो दिखाएंगे वहाँ का भी। और चूड़धार के बारे में भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे श्रैन जगह पड़ती है, वहाँ से बीच में थोड़ा सा रोड जाता है, बाकी आपको वैष्णो माता की तरह पैदल ही चढ़ाई वहाँ पे करनी पड़ेगी।
ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, वहाँ से आपको शिमला दिखाई देता है, अम्बाला का विलेज अम्बाला दिखाई देगा और पूरा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई देगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है दोस्तों, यहाँ पे आप चूड़धार के लिए घूमने के लिए आ सकते हो, नेरवा घूमने आ सकते हो, चौपाल घूमने आ सकते हो और यहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन देखने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हो। तो इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्पॉट जर्नी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आगे भी हम आपको इसी प्रकार के वीडियो दिखाते रहेंगे। नमस्कार।